Dear students, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. The day before yesterday we have finished chapter first of your study portion and now the grammatical portion of the chapter uh, is uh, going to be done today inshallah uh, Dear students, uh, here in this uh, part you have the language work regarding notes and report For example, you have to deductly uh, arrange few points from a long report, or uh, from few points which you have through some source, you have to elaborate those points into a long report. This is called report into notes, notes into report. That's very simple and very easy. Uh, I mean, there is nothing to add or lessen up. Okay, as few words are needed to be added according to the requirement, but most of the words are. The same words which are already mentioned, for example, in the first question you have, you have a simple information. I mean, you have the notes. Then from these notes, these notes are about uh, starting a new hobby club in uh, a adult Public School or a Public School. It's about an activity of a school. So the 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 points regarding that activities are mentioned in this uh, in the form of notes. So we have to. make a report of these notes in a detailed paragraph okay detailed in the sense in a passage way in a long sentence in a sentence form not in these shortcut forms okay okay then we we, we will move on words सब कुछ आपकी किताब में आपकी किताब में दिया हुआ है बेटा notes वाले पोर्शन में सब कुछ दिया है ना मैं इन्हीं का नकल करके पार वाले को भर दूंगा थोड़ा चेंजिंग के साथ आप पार देखें शाबाश बेटा तो पहले यहाँ क्या आएगा देखो पहली चीज आएगी आपको यहाँ द स्कूल इज प्लानिंग टू स्कूल क्या प्लान करने जा रहा है बेटा हम कहेंगे टू स्टार्ट टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी क्लब न्यू हॉबी क्लब यानी स्कूल एक नया हॉबी क्लब खोलने जा रहा है तो उस हॉबी क्लब का मैंनेम क्या होगा यहाँ लिखा था ना ये वाला देखो टू मेक टू एक थोड़ा चेंज किया है, है हमने स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ मेरा स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं है इन्जॉय नेचर थोड़ा चेंजिंग है वो आप पता कर सकते हैं स्पेलिंग दिए हुए हैं ठीक है बेटा अच्छा तीसरा चीज़ है बेटा यहाँ क्या इंक्लूड होगा ज़र सी बात है वो उसमें जो एक्टिविटीज़ है ना तीसरे वाले में एक्टिविटीज़ बढ़ दो जो एक्टिविटीज़ लिखा है ना वहाँ पर नोट में नोट में जो एक्टिविटी लिखा है वहीं सब आप बढ़ सकते हो बेटा बस उधर लिखा है जैसे कि फोर्टी नाइट जैसे कि यहां से शुरू है मिसाल के तौर पर आप घर में लिखेंगे फोर्टी नाइट फोर्टी नाइट हाइकिंग ट्रिप्स और एक्सपीडिशन टू नाइबरिंग वुड्स हिल्स कंट्रीस etc एट्सट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा ठीक है ना ये आसान है कि नहीं है एक्टिविटी वाले में जो लिखा है ना नोट्स में उसी को तीसरे वाले फिल्म डेबलिंग्स में यहाँ पार वाला जो रिपोर्ट है उसमें कुल पांच फिल्म है ब्लैंक्स से उनमें से पहला और दूसरा लिखा क्या करना है थोड़ा चेंज करके लिखना है तीसरा वाला सीधा वही एक्टिविटी में जो कुछ लिखा है वहीं लिखना है ठीक है बेटा हो गया ये पहला पहला भी हो गया आपका और दूसरा भी हो गया आपका तीसरा भी हो गया आपका और ये चौथा है अब चौथे में लिखेंगे आप इस बारे में प्रिलिमिनरी डिस्कशंस यानी इस बारे में ये भी लिखा हुआ है सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूं प्रिलिमिनरी बी लिखा हुआ है आपको वहीं पर विल बी हेल्ड इन द इन द कॉमन रूम इन द कॉमन रूम कॉमन रूम यानी जो इस एक्सपेडिशन या इस एडवेंचर से मुतल जो बातें हैं वो कॉमन रूम में डिस्कस होने जा रही है ठीक है ना प्रिलिमिनरी डिस्कशंस आया समझिए बेटा ओके okay. ये भी यहाँ लिखा हुआ है मेरी लिखा है साफ ना भी हो तो टेंशन की बात नहीं है बेटा शाबाश और फिर लिखा है द प्रिंसिपल सॉरी सॉरी ये हो गया चौथा फिर ये आएगा पाँचवा वेलकम टू साइन अप टू साइन अप टू साइन अप फॉर द डिस्कशन फॉर द डिस्कशन ये भी एड करो कोई बात नहीं ये एक पॉइंट चलो ये Uh, स्टूडेंट्स केन यहाँ लिखा है इंटर स्टूडेंट्स अप उस वर्ष मैंने चेंज किया है टू साइन अप फॉर द डिस्कशन टू साइन अप फॉर द डिस्कशन ये लिखा हुआ है नोट्स में अगर आप पार्स आए नोट देखें देखे ना बेटे तो नोट देखें ना आप यहाँ नोट देखोगे ना यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको इधर से हाँ पहला दूसरा और चौथा पहला दूसरा चौथा पाचे में थोड़ा मैंने चेंज किया है बस बाकी ज़रूरत नहीं है ओके बेटा इसके बाद इसका आप देख सकते हैं दूसरा पार्ट है अब यहाँ उल्टा है इसी का अभी आपके पास एक रिपोर्ट दिया हुआ है यह रिपोर्ट आप घर में पहले गौर से पढ़ना है यह कल्पना चावला की जो स्पेस ट्रेजडी थी उससे मुत्ल एक रिपोर्ट है यह मैं ये पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा ये रिपोर्ट आपके पास दिया हुआ है इसका आपको नोट्स बनाना है तो ये बड़ा इजी काम है इसी का यह एक रिपोर्ट है उससे एक नोट बनाना है तो नोट मैंने यहाँ बना के रखा है आपके लिए ताकि ईजी हो जाए यह काम डे स्टूडेंट्स राइट नाउ यू हैव यहां देखें यहां देखें सब कुछ लिखा है यहां आप में इसका मैं फोटो कभी भी बेचता हूं इस चीज का आप बाकी आप देखें यहाँ लिखा है मैंने जैसे कि हॉरिबल स्पेस ट्रेजरी हो गया एक फरवरी 2003 को यूएस एस स्पेशल कोलंबिया से दस सोलह जनवरी को निकली थी और वो अचानक टूट गई और जल के राख हो गई टेक्सास के ऊपर चल रही थी और लैंडिंग करने के लिए जा रही थी वगैरह 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 ये मैं एक फ़ोटो भेजूँगा इसका बाकी जो मेन इसके वोट छोड़ होंगे ना वो तो रिपोर्ट में दिए हैं तो डिस्टर्ब और फसल होने की ज़रूरत नहीं है टेंशन मत ले लो वहाँ सब कुछ लिखा है बाकी आप इधर नोट देखें थोड़ा मैंने ये रिपोर्ट बना ये नोट बनाया है ये मैंने क्या बनाया है नोट बनाया है किसका रिपोर्ट का नोट बनाया है वो रिपोर्ट दिया हुआ था कल को आपको एग्ज़ाम में एक रिपोर्ट आएगा या नोट बनाना होता है या नोट दिया होगा रिपोर्ट बनाना बड़ा आसान काम है चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है श्रोतबू शाहब तो मैंने इसका यह नोट बनाया है तो ये नोट का मैं फोटो का भी बेचता हूँ एक बाकी रही बात वो तो नोट से रिपोर्ट वाला तो किताब में दिया भी हुआ है और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा यहाँ आप फिर से यहाँ नोट्स दिए हुए हैं नोट दिए हैं ना किसके बारे में कैमलस बैक्टेरियन के बारे में, में यानी हमारे लद्दाख में पाए जाने वाले जो कैमल है उसके बारे में बैक्टेरियन केमल के बारे में नोट दिया है इसका क्या बनाना है आपको मसलन रिपोर्ट बनाना है तो आप क्या बताएंगे मसलन ठीक है ना आप लिखेंगे सिंपली बड़ा शॉर्टकट तरीके से कि द बैक्टेरियन कैमल कैमलस बैक्टेरियन Is found in the grasslands, valleys, uh, and mountainous areas of Ladakh, for example. Na? Khenge, uh, it is a hobby war. चूंकि ये क्या खाता है ग्रास खाता है इट प्रफर्स टू इट ग्रास लीव्स वगैरह वगैरह एंड दोज थिंग्स व्हिच अदर मैमल्स यूजुअली अवॉइड इट्स लाइफ स्पिन इज फोर्टी इयर्स इट्स अबाउट टेन फीट लॉन्ग एंड सेवन फीट इन हाइट इट वेव्स फिफ्टीन हंड्रेड पौंडस वगैरह वगैरह फिर लिखेंगे आप इट्स कोट इज लाइट टू डार्क सीरीज आप पढ़ाई इजी है मतलब फिर भी आपको लगता है समझ में नहीं आएगा तो मैं खुद नोट बना के बेचता हूँ है तो समझ में आया ना ये बड़ा आसान काम है प्यारे बच्चों इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है और ये सब कुछ उसके बारे में रिपोर्ट है यहीं तक काफ़ी कल से हम बोली पढ़ना शुरू कर दें खुदा हाफिस